गाइस वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। यस, आपने एक सवाल किया था सर 10,000 के अंडर में बताइए, तो मैं उठा के ले आया 10,000 के अंडर में कुछ कीबोर्ड्स। ये तो सैंपल है, ये भी अंडर 10 में आता है। जो सवाल आपने किया सेम सवाल मैंने गूगल से किया, भाई मुझे अंडर बता दे 10,000 के अंडर में क्या क्या आता है। तो इसने भी अंडर में काफी सारे अंडर दिखा दिए। चलिए हम देखते हैं इसके अंडर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ये लेकर आता है हमारे सामने यमहा PSR 273 या 263, दोनों कॉपी हैं। 263 पहले आता था, अब 273 के नाम से आता है। 273 263 में थोड़ा सा फर्क है, लेना चाहते हैं तो 273 ले लीजिए, 400-500 रुपया सिर्फ फर्क है, 273 ही लीजिए। उसमें पिच बैंड नहीं है, बाकी थोड़े एवरेज ऑप्शंस हैं, ठीक ठाक है लेकिन क्वालिटी एवरेज है। उसके बाद अगर हमसे पूछते हैं तो ये बताता है यमहा में PSR F51। हालांकि ये 10K के अंडर में आ जाता है लेकिन ये 5K के टच में भी आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कीबोर्ड को तो बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए, जब 10,000 का बजट लेकर जा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें पिच बैंड भी नहीं है और टच भी नहीं है। टच एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कलाकार के लिए, बेहतरीन कलाकार के लिए टच काफ़ी एक इंपॉर्टेंट काम करता है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे लर्नर हो कुछ भी हो। तो स्टार्टिंग में तो जरूरत नहीं पड़ती लेकिन बाद में जरूरत पड़ती है। तो 10,000 में जब आप देख ही रहे हैं तो टच को देखिए ना, तो इसलिए इग्नोर कर दीजिए F51 को। लेकिन लाजवाब रिदम्स टोन्स हैं यमा के। उसके बाद ये बताता है S100, ये रहा मेरे पास S100, इसका पूरा नाम है केशियो टोन, केशियो का CTS100। इसमें आपको पिच बैंड भी नहीं है मिलता, टच भी नहीं मिलता इस कीबोर्ड में, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट और काफ़ी प्रोफेशनल कीबोर्ड। 61 कीज आते हैं जितने भी कीबोर्ड्स अभी मैं बता रहा हूँ, ये सभी प्रोफेशनल कीबोर्ड्स कैटेगरी में आते हैं, ये मतलब टॉय कैटेगरी में नहीं आते। 8 साल से ऊपर, 15 साल और उसके ऊपर कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक जुड़वा आता है S200, उसमें मल्टी कलर्स आते हैं, लाल सफेद ब्लैक, ठीक है। उन तीनों में मतलब कलर्स अलग अलग हैं, उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें पिच बैंड नहीं है लेकिन टच है और काफी फ्यूचर्स ठीक ठाक दिए गए हैं स्लिम बॉर्ड। इसका एक और भाई है, उसका नाम है S300, लेंगे तो उसे लें 10K के अंदर आप ढूंढ रहे हैं, इसे भी छोड़ दें, S200 को भी छोड़ दीजिए, S300 को ले लीजिए, थोड़ा बजट बदल जाता है सबका, 1,000, 2,000, 1,500 फर्क पड़ जाता है। लेकिन S300 लेंगे उसमें आपको पिच बैंड भी मिलेगा और टच भी मिलेगा। इन तीनों कीबोर्ड में यानी एस सीरीज के तीनों कीबोर्ड में एक ड्रॉबैक है, वो है कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन इन्होंने फंक्शन के अंदर रख दिए सारे ऑप्शन, मतलब ज़्यादा छोटा बच्चा है, ज़्यादा जूनियर है, उसको बटन्स नहीं मिलेंगे, उसको थोड़ा दिमाग लगा के फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा तब जाकर एक्टिव कर पाएगा। यानी बटन्स कम है, फ्यूचर ज़्यादा है S300 के बाद। हम देखते हैं हमें मिलता है। सो गाइज, उससे पहले मैं एक साथ साथ एक और मॉडल आपको केशियो बता देता हूँ, CTK 2550, ये लोअर कैटेगरी में आता है, ये भी अंडर 10 में आता है। इसमें दो ड्रॉबैक हैं, एक तो इसमें पिच बैंड नहीं है और इसके जो डिस्प्ले उसमें लाइट नहीं जलता, लेकिन आता ये भी 10K के अंडर में और ठीक ठाक कीबोर्ड्स है और इसमें भी इंडियन टोन्स रिदम्स लगभग ठीक ठाक मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशियो का CTX 700, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और काफ़ी बड़ा प्रोफेशनल कीबोर्ड है और पिच बैंड नहीं आता, इसलिए मुझे वो भी थोड़ा सा कमज़ोर लगता है इस मुकाबले में CTX 700। लेकिन तकरीबन 9,000, 9,500, 10,000 के रेंज में आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, काफ़ी बेस्ट है CTX 700 की। उसके बाद इस सीरीज़ में एक और आ जाते हैं, एक दो मॉडल्स रॉकस्टार के कई मॉडल हैं, 451, 551 इस तरीके, और जोरस करके समथिंग, ये सब मॉडल हैं जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। ये कीबोर्ड नए हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन इसमें इंडियन टोन्स रिदम्स नहीं आते, मैं पहले बताता हूँ, इंडियन टोन्स रिदम्स नहीं आते बिल्कुल, जैसे हारमोनियम इस तरीके से ऑप्शन नहीं आते, लेकिन पिच बैंड टच उसके अंदर भी है, 61 कीज लार्ज सब। इस सीरीज का सबसे नंबर और सबसे बेस्ट मॉडल है आपका ट्रिनिटी PA75X, तकरीबन 8,000 रुपये का प्राइस है, सबसे बेस्ट है इस सीरीज में, क्योंकि मात्र आपको 8,000 रुपये में पिच बैंड, टच, इंडियन टोन्स, रिदम और भरपूर फ्यूचर्स मिलते हैं। लेकिन एक इसमें भी कमी ये है कि इसकी बॉडी और इसकी कीस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, स्पीकर से लेकर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक क्वालिटी का, मतलब हम इतनी तारीफ नहीं कर सकते, ठीक ठाक है सुनने के लिए, समझने के लिए, प्ले करने के लिए। साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप 10K की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा 1,500 रुपये और बढ़ा दीजिए, 2,000 रुपये और बढ़ा दीजिए, सबसे बेहतरीन कीबोर्ड
870 इन, चाहे वो 10 के कैटेगरी में आ जाए चाहे 15 के कैटेगरी में आ जाए, इन दोनों कैटेगरी में नंबर वन है 870 इन। उसमें पिच बैंड भी मिल जाता है, टच भी मिल जाता है, पेन ड्राइव एक्सेस भी है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी सवाल है आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत का मात्र एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सभी मॉडल्स के रिव्यू मिलेंगे, डेमो मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे, ठीक है। तो इस अंडर में आप भी अंडर हो जाइए और अपने अंडर के दोस्तों को बताइए कि भाई इतने सारे कीबोर्ड्स हैं अंडर में, तो आपके मतलब का अंडर जो है उसे खरीद के अपने अंडर में कर लीजिए और हमें भी आपके अंडर में रखिए। ये है बीज इंडिया चैनल, मुस्कुराते सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सेव रे सेगरे, गॉड ब्लेस एंड बाय बाय, थैंक यू, टाटा।